जय हिंद साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जीएसजी के विविध विज्ञान की सीरीज में हम आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। अगर अब की बार एक्सिट हमार करने के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, खासकर कॉपी कलम लेकर, और आप भी ये देखिएगा कि कितने में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही सही दिया है, क्योंकि यह सीरीज आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर आपने अभी तक कॉपी कलम नहीं लिया है तो कॉपी कलम लेकर बैठेगा कि हम बहुत सारे तथ्य ऐसे लिखवाते चलेंगे जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। आपको सरकारी नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो अपनी तैयारी है, अपनी मेहनत है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। क्या पढ़ना है ये माने नहीं रखता, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आजकल परीक्षाओं का एक नया ट्रेंड आया है कि सिलेबस के बाहर सवाल पूछने का, सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछने का। तो जब सवाल सिलेबस के बाहर का होगा, जब सवाल सिलेबस से इतर होगा, तब उस दशा में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे। आइए मिलकर चलते हैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक के साथ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज की रेस। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न के सही जवाब देंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, चलिए पहला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, शायद आपको दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है ना, ये कोई ऐसा भी है जिसको नहीं दिख रहा है। देखिए, अशोक कालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली कौन लाया था। एक सवाल मेरा है कि अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने थे, क्योंकि यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं तो लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। इसकी स्क्रीनशॉट अपने साथ करते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी नोट्स के माध्यम से। देखिए यहां पर हम आपके लिए सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो अशोक कालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली लाया था, कौन लाया था? फिरोजशाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, बलबन। प्राय कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास से आपके परीक्षा में सवाल नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मध्यकालीन इतिहास को ना पढ़े। अगर भारतीय इतिहास का जिक्र है, अगर हमें इतिहास पढ़ना है, तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना है जहां से आपके परीक्षा में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दिल्ली टोपरा हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। तो फिरोज तुगलक के शासन में, अगर बात करें फिरोज तुगलक के शासन काल में, इसे दिल्ली लाया गया। इसी पर, इसी स्तंभ पर सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, इसी पर सातों जो स्तंभ लेख है वो उत्कीर्ण है, इसलिए यह आपकी परीक्षा में कई बार, यूं कह सकते हैं हम कि बार बार पूछा जाता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगला सवाल आपके सामने है कि हर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे तुरंत फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी इसमें हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए जरा आवाज साफ आ रही है क्या? नहीं, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, तो एक बार जरा स्पष्ट कर दीजिएगा आप लोग कि आवाज साफ आ रही है कि ना। सौरभ जी जरा चेक कर लीजिए आवाज साफ आ रही है कि नहीं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है। बताइए सभी लोग फटाफट जरा आवाज वाज क्लियर है कि नहीं, ताकि हम लोग चलिए। थोड़ी सी तकनीकी समस्या मुझे लग रही है, अब सब क्लियर है? चलिए तब चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो आपके सामने सवाल है, हर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? नागानंद प्रियदर्शिका, मुद्रा राक्षस। तो हर्ष के तीन नाटक लिखे थे, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग, जितने वीडियो को देख रहे हैं, हर्ष के तीन नाटक लिखने का श्रेय मिला। एक है आपकी प्रियदर्शिका, उसके बाद क्या है? रत्नावली, ठीक है, उसके अलावा नागानंद।
नागानंद, नागानंद। अब यह पूछी गई है प्रिय दर्शिका में वत्सराज उदयन के अनंतपुर की जो कथाएं हैं उसमें नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा। नागानंद जो पुस्तक है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित। मेरा सवाल है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस किसकी कृति है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। और हर्षचरित यह किसकी रचना है, जरा फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि हर्षचरित किसकी रचना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा हर्षचरित किसकी रचना है। देखिए कुछ लोग हिंदी में साहित्य पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो मैं फिर से उनको बताना चाहूंगा कि आप हिंदी की जगह विविध की सीरीज में पढ़िएगा। हम चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ। अगला सवाल आपके सामने है कि बामियान में बुद्ध को दो विशाल प्रतिमाएं किसकी कृतियां हैं, मौर्यकालीन कला, गुप्तकालीन कला, गांधार कला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी साथी फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट करके बताइए। देखिए बनी बामियान में प्राचीन काल में ये बौद्ध धर्म के दो महान केंद्र एक अफगानिस्तान और मध्य एशिया थे। अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा बेगराम और बमियान में मिली, कहां पर मिले? तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उसका जवाब गांधार कला होगा। क्या होगा? गांधार कला होगा। कौन सा कला में? गांधार कला में मिले थे। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगला सवाल है कि फिरोज तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके बताइएगा। कर व्यवस्था, उलेमाओं का शासन पर प्रभाव, उदार दंड नीति, जागीर प्रथा का पुनर्स्थापना। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिएगा। मेरा पहला सवाल होगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के प्रसिद्ध होने का कुछ प्रमुख कारण आप बताइए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। तो फिरोज शाह तुगलक किस कारण विख्यात था? मेरा एक सवाल और है, पहली बार बेरोजगारों के लिए दफ्तर किसने बनवाए? सरकारी राशन की दुकान जिसे आप लोग कहते हैं गल्ले की दुकान, राशन की दुकान जो होती है जिसे कोटा कहते हैं, वो सबसे पहले किस शासक ने शुरू की थी? नेहरू का जाल सबसे पहले किस मध्यकालीन शासक ने शुरू किया था? इन सभी के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्रम से लिखिएगा, साथ ही साथ मेरी क्लास में प्रश्न भी लिखते चलिएगा, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को बताते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आपके सिलेक्शन में काफी मददगार भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना होगा, माने इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो फिर सही है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने है कि दक्षिण भारत के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया? काफी यूनिक प्रश्न है सभी के लिए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट लग रही है क्या सौरभ, जरा एक बार चेक करिएगा क्योंकि ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा है। टच पिन आपने कैसे सेट किया था बताइए। कोई बात नहीं, नहीं पॉइंटर नहीं काम कर रहा है तो फिर उसका वैकल्पिक इंतजाम तो कुछ करना ही होगा। चलिए यहां पर हम लोगों देखते हैं प्रश्न के बारे में बात करते हैं आपके साथ मिलकर। कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन कौन लाया? रामानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, बबी। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसान हलवा है, स्वामी विवेकानंद एकदम सही जवाब है। एक सवाल आता है कि स्वामी विवेकानंद के मूल नाम क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया?
सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास देश हित में राष्ट्रहित में आप लाइव देख रहे हैं, तो जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए किस शासक ने इसे पूरा कराया था। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए एक मिनट, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया, ऐसे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपकी उतनी जिम्मेदारी जितनी की मेरी। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे इल्तुतमिश होगा, क्या होगा इल्तुतमिश, आइए कैसे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिएगा कि जो गुलाम वंश की नू कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनाकर रखा गया था, ये 1206 पे गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये पोलो या पोलो खेलते समय ये गिरता घोड़े से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्राय पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बख्तियार काकी कौन था, ध्यान समझिएगा, बख्तियार काकी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत में जो साहित्यिक या कैसे स्थापत्य कला में क्या क्या प्रसिद्ध रही, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश ने किया, और इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाई। अभी मैं पूछूंगा कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब आई, तो उसका जवाब आप तुरंत दे लेंगे, लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार दिल्ली को राजधानी कौन बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहते हैं, जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बनाइएगा, बताइएगा। 1210 से लेकर 1236 तक का शासन काल रहा, बड़ा स्वर्णिम काल रहा। इसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, उसके बारे में भी हम लोग आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि मेरी बातें समझ में आ रही हैं यार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया ना शेयर किया, पैसा नहीं कटेगा, उनकी मदद करिए जो वास्तव में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं आपकी तरह। हम लेकर आते हैं आपके सामने एक अगला सवाल कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जितने भी साथी चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब देने का पूरा प्रयास करिएगा। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास भी आपके सिलेबस में है, आधुनिक भारत का इतिहास भी आप सभी के पाठ्यक्रम में है, आप सभी के सिलेबस में है। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिए। देखिए, अगर होम रूल के आंदोलन की बात की जाए, इसकी शुरुआत 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। किसके द्वारा? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि एनी बेसेंट के साथ, तिलक जी भी थे, लेकिन शुरुआत में अगर हम बात की जाए तो शुरुआत में एनी बेसेंट थे, इनके साथ साथ तिलक भी थे, तिलक जी भी थे, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, एनी बेसेंट। होम रूल की शुरुआत 1916 में हुई थी। तो यहां से सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, मेरा सवाल फिर से आप सभी से है कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के इतिहास किस रूप में याद करता है। दूसरा मेरा सवाल है, फिरोज शाह मेहता ये गर्म दल से संबंधित थे, नरम दल से संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक गर्म दल से थे कि नरम दल से थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से नरम दल से थे, कौन गर्म दल से थे, यह आधुनिक भारत के इतिहास में सवाल आपके पूछा जाता है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। दांडी कूच का प्रारंभ कब हुआ था? अगर दांडी यात्रा की बात करें तो यह इसकी शुरुआत 12 मार्च को की गई थी। कब की गई थी? 12 मार्च। 12 मार्च कब? 1930 में। 12 मार्च 1930 को कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। कितने समर्थकों के साथ? तो उनके जो समर्थक थे, अगर पूछा जाए उनके समर्थक कितने थे, तो उनके जो समर्थक थे उनकी संख्या कितनी थी? 30। उनके जो समर्थक, सॉरी 79, समर्थकों की संख्या कितनी थी? 79 थी।
और साबरमती के पास उनका आश्रम था, वहां से लगभग 320 किलोमीटर, कहीं आपको 22 मिल जाएगा, कहीं 325 किलोमीटर मिल जाएगा, लगभग 325 किलोमीटर की दूरी डांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। कहां से? साबरमती के पास के अपने आश्रम से लेकर डांडी तक लगभग 325 किलोमीटर की यात्रा 12 मार्च 1930 को अपने 79 जो 79 समर्थक थे उनके साथ, और इस यात्रा को पूरा करने में जो समय लगा था वो 24 दिन का समय लगा था। देखिए ये सब परीक्षा वाले सवाल है, कितने दिन का समय लगा था, तो समय 24 दिन का लगा था। और 24 दिन में कब वो पहुंचते हैं, डांडी कब पहुंचे, कब डांडी पहुंच कर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, तो डांडी पहुंचने में जो समय था वो क्या तारीख था, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वह था 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इसलिए अब आपके परीक्षा में कितने प्रश्न बने, जरा कमेंट सेक्शन का कमेंट करके बताइएगा। तो कहां से शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम के पास से। तो जरा बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ गई क्या जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में यही से सवाल बनते हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न के साथ, या शेयर कह दीजिए, पैसा ना कटे तो हर से भेजेगा, शेयर कह दे अपने कुल ग्रुप में, भेज दे सहेली के सहेला के, जितना ग्रुप हो जो पढ़े वाला हो जो सरकारी मास्टर बनने वाला हो सब तक पहुंचा दे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है भारत व पाकिस्तान की सीमा का जो रेखा है उसका निर्धारण कौन किया था। तो सीधी सी बात है, इसको याद करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका कि किस देश का नाम सुनते ही आंखें लाल हो जाती है, कहेंगे पाकिस्तान, लाल माने रेड, तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। ये बॉर्डर कमीशन था जो एक भारत, अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक जातिगत विभाजन था, एक मजहब का विभाजन था। हिंदू बाहुल क्षेत्र भारत को मिले, मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को मिले। साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी कहा कि जो चाहे रियासत स्वतंत्र रह सकते हैं या भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपके लिए सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अब बताइए लॉरेंस का क्या संबंध था आपकी परीक्षा से, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो क्रिप्स मिशन भारत का आया। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में बताएं क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्योंकि यहां से परीक्षा में आपके पीछे वाले परीक्षा में भी सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप लोग जरा बताइए कि क्या आप लोग को समझ में आ रही है, क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसको चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में ना आ रही हो, तो आप पूरी तरह स्वतंत्र होकर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको हर चीजें हर तथ्य पढ़ाना है, हर तथ्य समझाना है, ताकि आप सिलेक्शन के और करीब पहुंच सके। सभी साथी अब ना पहुंच पाए तो आपकी जिम्मेदारी है, आप ना मेहनत करें तो मैं क्या कर सकता हूं। बाकी क्लास के लिए और YouTube चैनल बना है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिला होगा, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है सभी साथी, ताकि ज्यादा ज्यादा आप सभी की मदद हो सके। अगला है पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचली अर्थात पांचाल की नारी के नाम से जानी जाती है, वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। दूसरा सवाल, पांच नदियों का शहर किसे कहा जाता है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उन दोनों का जवाब एक ही होगा, इसे पंजाब के नाम से जानते हैं, किसे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षक बनाने वाली है या आपको सरकारी नौकरी दिलाने वाली, ये GSG के विविध साइंस की क्लास है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ आप सभी के साथ मिलकर। अगला सवाल है कि काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं काला पैगोडा।
ये किसे कहा जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। मेरा सवाल है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? ये विविध का सवाल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे आप देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए। अगला सवाल है कहां पर है बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हां, यह ओडिशा में है, यह ओडिशा में। किस शहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? रात में, सुबह में, शाम में, तीसरे पहर में? तो राग भैरवी गायन सबसे ज्यादा उपयुक्त सुबह के पहर में माना जाता है। कब? सुबह के पहर में सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगला सवाल है आपके सामने। निम्न में से किस देश में रंगभेद की नीति अपनाई गई? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अभी की बार एक्सिट हमार, कहने से तो नहीं होगा, हाँ आपके पढ़ने से जरूर होगा। तो रंगभेद नीति कौन अपनाया? दक्षिण अफ्रीका। दूसरा सवाल, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए और भारत कब आए? दोनों सवाल का जवाब आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए और फिर वहां से कब वापस आते हैं। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला, इराक के किस शहर में शियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है? बसरा, बगदाद, करबला, शमरा? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और जवाब दीजिए। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं आपके साथ मिलकर कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इराक के किस शहर में? तो यहां पर होगा बसरा। कहां पे? बसरा में। ये काफी ये विविध का सवाल है, एक तरह से विविध का, करंट का भी सवाल नहीं है। हाँ, दो बार वो जाते हैं कि एक बार जाते हैं, दोनों का जवाब दीजिएगा सभी लोग। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, आपको कल को आप लोग को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखिए। मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी, उनका जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था? इनका जन्म मक्का में हुआ था। यह भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में सवाल है। कब हुआ था? 570 एनो डोमिनी में, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब को, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्त होती है। कब? 610 में। हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहीं से इस्लाम धर्म, यही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। अगर पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। इनकी मृत्यु 632 में जाती है, 632 एडी में मृत्यु हो जाती है और उन्हें मदीना में दफनाया जाता है, उन्हें मदीना में दफनाया जाता है, दफन किया जाता है। हिजरी क्या है कमेंट करके बताइएगा। हिजरी क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा हिजरी क्या है, हिजरत क्या है। आगे बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, क्योंकि अब की बार एक्सिट हमार। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहें और अपने सवालों को भी हल करते रहें। आप लोग की संख्या बहुत कम है, क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? क्या पढ़ाने में कोई कमी है? ऐसा कोई कंटेंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? पूर्वी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? अगर देखा जाए भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम बंदरगाह की बात करें तो प्राय जो है भारत का, अगर समुद्र तट देखें तो इसी तरह से भारत है।
ये भारत है, यहां पे थोड़ा लक्षद्वीप है, तो ये भारत का दक्षिण भारत हम कह सकते हैं। तो जो समुद्र किनारा है, इस समुद्र किनारों पर कुल 13 प्रमुख बंदरगाह है। कितने? 13 प्रमुख बंदरगाह है, जो आपको इलनी दुर्गेश के नोट्स में होगा, आप लोग नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा क्लास के लिए, और प्रैक्टिस सेट के लिए इलनी दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर है कोच्चि का बंदरगाह, कोलकाता, कांडला, चेन्नई। मेरा सवाल आपके सामने है, कांडला का बंदरगाह कहां पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोलकाता जो बंदरगाह है, ये कहां पर है? ये हुगली नदी के बाएं कॉर्नर पर है, ये लेफ्ट कॉर्नर पर है, और भारत का नहीं संपूर्ण दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। भारतीय सामुद्रिक व्यापार का यह पूर्वी द्वार कहलाता है। इस बंदरगाह से प्राय जो है भारी वस्तुओं का व्यापार होता है, तो इसलिए यह परीक्षा में महत्वपूर्ण होगा। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, एकदम सही जवाब। ठीक है, बाकी आपके लिए एक और YouTube चैनल बना है, जहां पर उसकी थियरी क्लास आपके लिए मेरे द्वारा चलेगी निःशुल्क, देशहित में, राष्ट्रहित में। अगर आप जौनपुर जनपद किसी राज्य हिंद से हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, या उसके बाद हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा देंगे पूरी कंप्लीट कोर्स, ताकि अब की बार आप भी एक्सिट हमार कह सकें। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, और आपके सामने दिख रहा है, नेवेली ताप विद्युत किस राज्य में है? तो जितने भी साथी इस वीडियो में देख रहे हैं वे कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद बताइएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख ताप विद्युत स्टेशन का नाम बताइएगा, लेकिन यह कहां पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। कमेंट करिए सभी लोग फटाफट। हाँ, चेन्नई भी कृत्रिम है। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा आपका तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु है। देखिए, करंट के लिए स्पेशल सीरीज हम आपको ला रहे हैं इस नए साल के नए तोहफा के रूप में, तो उसके लिए एकदम परेशान ना होइए। हम करंट अफेयर की सीरीज वो पढ़ा देंगे जिसके बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। हम आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, जहां पे सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, सभी क्लास। तो आज ही आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लीजिएगा, अभी जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको सब कुछ मिलेगा और सिलेक्शन वाली सीरीज मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों, तमिलनाडु। तो यहां पर याद रहे, हिमाचल प्रदेश भी और मध्य प्रदेश भी है, अर्थात ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। माने एंटीमनी इसे क्या कहते हैं? इसी को हम सुरमा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सुरमा कहते हैं। अब बताइए, सुरमा कितने लोग जानते हैं? यह स्टीब नाइट, यह क्या होता है? स्टीब नाइट से मिलता है। यह स्टीब नाइट नामक खनिज से मिलता है। स्टीब नाइट नामक खनिज से मिलता है। यह हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश से कहां पे? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में कहां मिलता है? कांगड़ा के पास, कांगड़ा की घाटी है। सुरमा मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? जबलपुर। यह कहां मिलता है? जबलपुर में मिलता है। इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? बंदूक के कारतूत में जो ब्रश किया जाता है, टूथपेस्ट में किया जाता है, उन जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबको समझ में आ रही है ना? हाँ, सुरमा आंख में लगा जाता है। हाँ, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, कहीं शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, बताइए। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर कहीं नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला सवाल है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिकी नगर डेट्रॉयट नगर किस लिए विख्यात है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे सिविल की परीक्षा हो चाहे आपकी भर्ती परीक्षा हो, यहां से सवाल प्रायः बार बार आते हैं। बताइए सिविल फटाफट कमेंट करके, मोटर गाड़ी, द्वीप, वायर, रॉकेट। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट शहर जो है वो किसके लिए विख्यात है बताइए? वह आप सभी के मोटर गाड़ियों के लिए विख्यात है। ये एनसीईआरटी में, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में भी है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस से कॉन्टेक्ट करिए, क्लास और नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहां संसार भर में मोटर गाड़ी का निर्माण करने का सबसे बड़ा केंद्र है। यह डेट्रॉयट नदी पर स्थित है। कौन से? यहां इसी के पास से डेट्रॉयट नदी बहती है। जब हम पढ़ाएंगे आपको सभी महाद्वीप, उस महाद्वीप की सीरीज में आपको यह मिलेगा डेट्रॉयट शहर। आप ये ह्यूरिन झील को हरी झील से मिलाती है, यह ह्यूरिन झील को हरी झील से भी मिलाने का काम करती है। डेट्रॉयट के अलावा इस क्षेत्र में मोटर गाड़ी भी निर्माण किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने भी हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लैक पैगोडा किस देश कहां पर स्थित है? यह कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? यह उड़ीसा में है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं बताइए इसका निर्माण कौन किया था? नरसिंह देव ने किया था। तो बताइए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है? ये कहां पर है? उड़ीसा में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोणार्क। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर कोणार्क बताया है, इसका मतलब आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। आपने एकदम सही और राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, अगर आपने प्रश्न यहां तक पढ़ लिया तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें, ठीक है? ये आपके क्लास के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। अगला है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट नगर अवस्थित है हवाना में, सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, पेरिस में। तो जरा कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। देखिए यह सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित है। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में। और यह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। देशांतरी यमोत्तर है, समांतर अधिवृत्त है, मुख्य यमोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, संसार के नक्शे को निर्देशित करती हुई खड़ी रेखा, वृत्त क्या होगा? देखिए हम बात करें, यह हो गया आपका 180, ये हो गया आपका पृथ्वी, मानव ग्लोब। यहां पे हमने खींचा 0 डिग्री। इसके दाएं तरफ अगर हम जाएंगे तो कुल कितनी 180 देशांतर रेखाएं खींचेंगे। इसकी बाईं तरफ आएंगे तो हम लोग 180 देशांतर रेखा खींचेंगे, जो इस तरह से होगी। तो ये कैसी है? ये कोणीय दूरी है। तो मुख यामोत्तर से किसी स्थान से खींची गई जो कोणीय दूरी होती है उसे हम देशांतरी यामोत्तर के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह इसका उत्तर विकल्प बी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, इसका मतलब आपके सवाल के जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग को यहां तक समझ में आ गया? जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, अगला सवाल आपके सामने है, पर्वतीय वायुमंडल, जो पर्वतीय वायुमंडल है किस कारण ठंडा होता है? ऊंचाई के कारण, तापमान के कारण, दाब के कारण। तो बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि पर्वतीय वायुमंडल निम्न के किस कारण ठंडा होता है। देखिए हम ये जानते हैं जब हम क्षोभ मंडल में होते हैं, जो जो ऊंचाई पर जाते हैं त्यों त्यों तापमान कम होता जाता है। अगर हम 165 मीटर, अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो इसका परिणाम हमें क्या मिलता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आता है। यह क्षोभ मंडल में घटित होती है, माने ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होना। यह कहां पर घटना घटित होती है? यह घटना आप सभी को क्षोभ मंडल में घटित होती है।
तो पर्वती वायुमंडल में निम्न कारण ठंडा होता है, तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए इसका सबसे बड़ा कारण है ऊंचाई। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, इसका जवाब पूरी तरह से सही है। जरा एक बार आप कमेंट करके बताएं आप किस जिले से पढ़ रहे हैं, कितने साथी हैं जो हमारे जनपद सिराजे हिंद से हैं, जहां से मैं इलनिबी दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में निःशुल्क आप सभी को पढ़ा रहा हूं, देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार आपका सपना पूरा हो सके। किसी भी स्थान का अक्षांश परिचायक है, क्योंकि आपके सिलेबस में अक्षांश रेखा भी है, देशांतर रेखा भी है, दोनों आपके लिए है। तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिए गए सवालों के लाइव जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए यार, आप ऐसे ही सरकारी शिक्षक बनेंगे, बताइए ऐसे सरकारी मास्टर बनेंगे। चलिए मैं यहां पे छोटा सा ड्रा करके आपको बताने का समझाने का प्रयास करता हूं। माना ये आपका ग्लोब हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा कहते हैं, जो जो भूमध्य रेखा से बढ़ते जाते हैं, माने 23 डिग्री है, ये हो गया देशांतर रेखा। अब जो जो भूमध्य रेखा से दूर हटते जाते हैं, तापमान कम होता है, जैव विविधता कम होता है, तो जो अक्षांशी विस्तार होता है, अक्षांश होता है, वो किसी भी स्थान का तापमान बताता है। क्यों ऐसे समझिए, जैसे आप लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा पहले ध्यान से समझिए। जैसे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है, देखिए ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा आप किन किन जनपदों से हैं। देखिए पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगी तो मान लेते हैं हम, जैसे मेरे पास अभी ऐसा कोई नहीं है ग्लोब, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको टेम्परेरी ग्लोब दिखाकर आपको बताना चाहूंगा ये कैसे हुआ। ठीक है, एक मिनट का मैं आपसे समय लूंगा, एक नहीं कुछ सेकंड का, ताकि मैं आपको इस चीज को अच्छे से समझा सकूं। चलिए माना ये मेरे पास छोटा सा मान लीजिए पृथ्वी का प्रतिरूप है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक 0 डिग्री लाइन खींच दिया, जैसे ये देखिए मैंने क्या किया यहां पर 0 डिग्री अर्थात मैंने भूमध्य रेखा खींच दिया। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, अब इस भूमध्य रेखा पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर आप जाते हैं तो ये पश्चिम, ये जो आपकी रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा पर कभी न कभी सूर्य किरणें मतलब सीधी पड़ती रहती है, ऊपर 23.5 डिग्री जाएंगे, नीचे 23.5 डिग्री जाएंगे, ऊपर कर्क और मकर, माने कभी भी किसी भी दशा में सूर्य कहीं भी रहे, इन दो स्थानों पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। जब इन दो स्थानों पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी, इसका मतलब साफ और स्पष्ट है यहां पर सबसे ज्यादा सूर्यातप होगा, क्योंकि अगर इस जैसे सूर्य यहां चमक रहा है तो यह पृथ्वी ऐसे घूमेगी, जब ऐसे घूमेगी तो घूम के वह इसी स्थान पर आएगी, जब इसी स्थान पर आएगी तो तापमान जितना, यहां ठंडी है तो यहां भी ठंडी, यहां भी ठंडी, यहां भी ठंडी, गर्मी है तो यहां भी गर्मी, यहां भी गर्मी, यहां भी गर्मी, माने उस रेखा पर, उस अक्षांश रेखा पर जिन जिन स्थानों पर जाएंगे, जिन जिन जगह जाएंगे, उन सभी जगह आपको तापमान एक सा मिलेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जो अक्षांश रेखा होती है वो हमें पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर तापमान बताने का काम करती है, जबकि जो देशांतर रेखा होती है वह किसी भी स्थान का समय बताने का काम करती है, टाइम जोन बताने का काम करती है, इस समय कहां कितना बजकर कितना मिनट हुआ। तो जरा कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को इस लाइव सेशन में देख रहे हैं। अब लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान समझ लिया, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ ले, सबको समझ में आ गया तापमान। देखिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो मैं यहां पे स्पष्ट रूप से फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो आपको पूरी तरह से यह पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दूसरा सवाल, राज्य के राज्यपालों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को
भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, लेकिन ये त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्या करते हैं ये, अपना जो त्यागपत्र होता है ये किसे सौंपने का काम करते हैं, यह भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें अपना त्यागपत्र देते हैं, लेकिन शपथ किसके सामने लेते हैं ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल मैं आपसे फिर से यहां पे पूछना चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है अगर शपथ दिलाने के समय अगर उस समय कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तब क्या होगा, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे थे या किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। आप लोग जो भी नया नया YouTube चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल की लिंक अपने WhatsApp की स्टेटस पे डाल दीजिएगा ताकि आप सभी साथी 1000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके लिए हम और ज्यादा वीडियोज आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करें। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का जो है गठन होता है कब होता है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वित्त आयोग, देखिए अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग गठन का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। एक सवाल आपका यहीं से पूछा जाता है तो मैं चाहूंगा यह से आप चीजों को रट लीजिए, इन चीजों को आप जान लीजिएगा कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है, ठीक है। और आगे चलते हैं, भारत में अगर कौन सा वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष होता है, तो पांचवें वर्ष होता है। इसका जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, वह चार अन्य सदस्य होते हैं, चार अन्य सदस्य भी होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पांचवें वर्ष में इसका गठन होता है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ध्यान से पढ़ते चले, देखते चले। अगला है आपके सामने सवाल, कह रहा है संविधान को कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेता है। हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो जी हां, हम बताएं आपात उपबंध, अगर यहां पे आपात उपबंध की बात की जाए, आपात, यह सभी इलनी बी दुर्गेस के नोट्स में है, उपबंध के तीन प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ये कभी नहीं लगा है, ये अभी तक कभी नहीं लगा है। अनुच्छेद 356 कितनी बार लगा है भारत में, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अभी तक 356 कितनी बार लगा है, राष्ट्रपति शासन 356। तो आप लोग को समझ में आ गया या अभी भी कोई डाउट है? नोट्स मैंने बताया है, चीजों को पढ़ाया है, एक बार आप लोग नोट्स को पूरा पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर आपको तैयारी करना नहीं है, केवल प्रैक्टिस सेट हल करिएगा। 50 से ज्यादा हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने वाले हैं और वह प्रैक्टिस सेट ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध होगा। हम बढ़ते हैं, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, एकदम आसान सा प्रश्न है। वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपया पर, कितना होता है इनका 1 रुपया पर, वित्त मंत्रालय सचिव का किस पर होता है 1 रुपया पर, लेकिन 100 रुपए पर किसका होगा कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा, 10 रुपए पर किसका होगा। आरबीआई के गवर्नर का। भारत में 356 कितनी बार लगा है, अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया। यह 360 कभी नहीं लगा है, वित्तीय आपात जो है। हम बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई का जो गवर्नर है उसके हस्ताक्षर 100 के नोट पर होंगे। मेरा सवाल है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 90%, 70%, 65%, 80%। देखिए इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, अभी हल में भी फिर से आने वाला है, लेकिन अभी तक के लिए जान लीजिएगा 70% लोग। इसे 50% को कृषक माना जाता है, 20% लोग कृषि पदार्थों के व्यापार, परिवहन या आदि चीजों में अपनी जीविका चलाते हैं। माने अगर हम यूं कहें, ये 50+20=70%। 16 दिसंबर विजय दिवस मनाने का कारण क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है।
देखिए, भारत की स्वाधीनता का प्रथम युद्ध 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय, 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय क्या होगा? देखिए, विजय दिवस 16 दिसंबर को पाकिस्तान के विरुद्ध विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका बी है। आपको साफ स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। अगला है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किसको सूचित करता है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। वैसे अगर हम दिवस की बात करें, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, ये ऐसे दिवस हैं जहां सबके परीक्षा में लगातार प्रश्न आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो भैया आप इन प्रश्नों के जवाब भी जरूर से दीजिएगा। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर को। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विश्व एड्स दिवस। देखिए, सभी दिवस जो हैं, जितने भी दिवस आपके सुपर टेट में पूछे जाते हैं वे सभी नोट्स में दिए गए हैं। नोट्स में अगर अभी आपने विविध को पढ़ा होगा, लाइव है सर या पिछली बार की तरह रिकॉर्डेड है? लाइव चल रही है क्लास मालिक, कहा है ऐसा आप लोग कह रहे हैं? पिछली बार की तरह रिकॉर्डेड, लाइव ही क्लास चलती है, उस पर लिखा होगा लाइव, आप शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं, लाइव लिखा होगा। कभी फोटो दिखती है कभी नहीं दिखती, उसके लिए परेशान ना हो। कादंबरी किसकी रचयिता कौन है? अभी मैंने पूछा था शुरुआत में, हर्षचरित किसकी रचना है? तो कादंबरी के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, रामनाथ अवस्थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना कादंबरी के अलावा कौन सी है जो परीक्षा में पूछी जाती है? हर्षचरित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है जो परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम कमेंट नहीं पढ़ते आप लोग को, इसलिए नहीं पढ़ते कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे। आप नाम के लिए, कमेंट के लिए नहीं बल्कि सिलेक्शन के लिए पढ़ने आते हैं, तो जिस लिए आते हैं वो आपका पूरा हो। हाँ, जो नोट्स नहीं ले पा रहे हैं पूरी क्लास देख लें, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। लेकिन अब क्या बताएं, पूरक तो नहीं हो सकता लेकिन हाँ, कोशिश की जा सकती है। अगला आपके सामने है, एलिसिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? शॉन स्नो, शेक्सपियर, लुई केरोल, ऑस्कर वाइल्ड। तो यहां प्रश्न होगा लुइस केरोल। जीवन कथा शब्द संबंधित है, जीवन कथा शब्द संबंधित है किससे? किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में लिखा हुआ, ये विविध के सेक्शन है। पुस्तकों लेखकों सूची जिन पर पुस्तक लेख आधारित है इनके अंत में दर्शाई गई है। लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के जीवन की घटनाओं के विषय में हो। भौगोलिक वारतम्य में स्थानों की सूची। तो यहां पर आप लोगों को जानना चाहिए, लेख जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की जीवन घटनाओं के विषय में हो उसे हम जीवन कथा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जीवन कथा कहते हैं। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी होगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार एक्सिट हमार, तो आप लोग तैयार हैं एक्सिट हमार करने के लिए? कहने से तो नहीं होगा लेकिन हाँ, मेहनत करेंगे तो आपका एक्सिट जरूर होगा। अगला है, मोनालिसा जो ला जिया कांडा के नाम से जाने जाते हैं किसके द्वारा रंगा गया? लियोनार्डो दा विंची, एमएस हुसैन, मिचिंगेलो, या इसमें से कोई नहीं? सभी साथी जवाब दें, यह बहुत ही यूनिक प्रश्न है, यह आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। हम ऐसा यूं कह सकते हैं यह आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, यह आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, लियोनार्डो द विंची, फ्लोरेंस निवासी लियोनार्डी का जन्म 1452 में विंची में हुआ था।
लियोनार्डो वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार थे। उनके चित्र में लास्ट सफर और मोनालिसा प्रमुख है। मोनालिसा किसी सुंदरी का चित्र नहीं है, लेकिन उस साधारण दिखने वाली महिला की रहस्यमय मुस्कान का अर्थ आज भी दर्शकों के लिए रहस्य बना है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, यूथार्ट, डॉक्टर जोनास साल्क। आइए इसके बारे में हम लोग आपके साथ मिलकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम विजेता कौन थे नेहरू पुरस्कार का? प्रथम विजेता कौन रहा? जी हां, यूथार्ट। कौन? यूथार्ट। किस समय? बताइए, 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम किसे मिला? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथार्ट को प्रदान किया गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यह भी आपके सिलेबस में है। कुछ लोग कहेंगे, अरे सर, ये कहां से प्रश्न आ गए? जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किससे है? जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किससे है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आप लोगों ने बताया है। जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किससे है? फटाफट कमेंट करिए। फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। पॉट संज्ञा किस खेल के साथ संबंध रखती है? बिलियर्ड के साथ। आप कहेंगे, सर हाँ, ये भी तो सिलेबस में था, बिलियर्ड्स के साथ संबंध रखती है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। अगला सवाल, प्रथम आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट का मैच कब खेला गया? सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स से संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है और आप घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लास निःशुल्क हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, जहां पर सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहेंगी। प्रथम आधिकारिक क्रिकेट मैच कब खेला गया था, टेस्ट क्रिकेट? तो यहां पर आप लोगों ने एकदम सही बताने का प्रयास किया है, मार्च 1877 में खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कहां पे? मेलबोर्न में। कहां पे खेला गया था? मेलबोर्न में, लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का अनुसंधान अभिकल्प मानव संगठन आरडीएसओ निम्न में से किस स्थान पर है? मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, लखनऊ? चलिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने एकदम सही बताया, लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लखनऊ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में इसी समय। कल के बाद से कुछ स्पेशल क्लास होगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग से मैं पुनः दोबारा कहना चाहूंगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, सभी लोग एक और चैनल है आपका, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो बाकी क्लासेज है वो सब आपको वहीं से मिलेगा। 50 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, वो जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। 50 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, सोचिए 50 प्रैक्टिस सेट हर दो दो तीन तीन दिन के बीच में मैं लाइव सेशन में भी आपको कराता रहूंगा। तो आप लोग डेली हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो 150 प्रश्न के होंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा,
ये सभी प्रैक्टिस सेट इलनेरी विद दुर्गेश के ऐप के माध्यम से आपको मिलेंगे, जहां पर आप जाकर ऐप पर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि एक और चैनल आ गया है आपके परीक्षा से जुड़ा हुआ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी का थैंक यू। ठीक है, तो अपना बेहतर देते रहिएगा सभी साथी, जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे थे।